एक्चुअली मुश्किल नौमी की एक फ्रेंड्स के साथ कुछ शर्मनाक पिक्चर्स थी और उसका ना नौमी के एक दोस्त के साथ अफेयर था। नौमी साहब है ना, नौमी साहब शराब और लड़कियां लेकर आए थे, खूब मौज मस्ती, डांस पार्टी, हल्ला गुल्ला हो रहा था। उसने मुझे और मुझ दोनों को बुलाया था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आई एम रियली श्योर कि मुश्क अपने घर वालों से झूठ बोलकर उस पार्टी में जरूर गई है। जी मामा। इर्तेजा, इर्तेजा बेटा कहाँ हो तुम? पता नहीं मामा, मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है। बेटा तुम फौरन घर आ जाओ, मैं और तुम्हारे पापा घर आ गए हैं, घर पे बात करते हैं, ठीक है? मुश्क के घर मत जाना बेटा, आ जाओ शाम को जल्दी से। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। सुकून वाला इंजेक्शन दे दिया है, ये काफ़ी देर बाद जागेंगी। असल में इनकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि ये लाजमी था। ठीक कह रहे हो, इनको आराम की ज़रूरत है। चलें। अफजल। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके तुम मेरे साथ आए, क्या ये एहसान कम है? और वैसे भी तुम्हारी फीस है, रख लो। चले आप कहते हैं तो रख लेता हूँ मैं। और हाँ, लड़की की हालत खासी पतली है, एक आधा ड्रिप और लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। मैं भागता हुआ आ जाऊंगा, आप फिक्र ही ना कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरी बच्ची, मेरी मासूम फरिश्तों जैसी बच्ची, तनी किसकी बातों में आकर कहाँ चली गई थी? मम्मी जी, क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? रो रो कर अपने आप को हलकान कर देंगी क्या? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए ना कि मुश्क खैरियत से घर वापस आ गई है, ये काफी है हमारे लिए। नहीं अम्मा, काफी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अधूरा है। तुम बस दुआ करो कि सब खैरियत हो। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा कि मुश्क ने अपने आप को अकाबले तलाब में नुकसान पहुंचा दिए। संभाले अपने आप को, मुझे तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं है, उसके पास दुपट्टा नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थी, वो रात कहाँ गुजार कर आई है, किस हाल में आई है, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। इर्तज़ा, मेरी एक बात गौर से सुनो, अगर अब भी तुम यही सोच रहे हो कि तुमने इसी लड़की से शादी करनी है
और इसी खानदान से रिश्ता जोड़ना है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी सूरत में मैं और तुम्हारी मां इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे। मैंने बहुत मार्जिन दिया उन लोगों को, लेकिन अब मैं यकसर उन्हें रिजेक्ट करता हूं। मैं अभी आती हूं। जो लड़की कॉलेज में है मेरी पॉकेट मनी पर याशी करती रही, अपनी मासूमियत से लड़कों को बेवकूफ बनाती रही, ना लड़ूं तो क्या कहूं उसे? आपको पता है जब मैं आपके साथ होती हूँ ना तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। अब अगर डर है ना सिर्फ इस बात का इंतजार के अगर कभी आपका ही साथ ना रहा तो